फ्रेंड देखिए, हमारी ये जी कंपनी की P40 Agile है। P143 जो रिले, इसमें आप ओवर करंट और अर्थ फोल्ट की सेटिंग कहाँ पे जा करके किस तरीके से कर सकते हैं, आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। चैनल पहली बार जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाना, जिस चैनल वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए, ओवर करंट अर्थ फोल्ट की सेटिंग करने के लिए फ्रेंड्स आपको ये डाउन बटन दबाना होता है। उसके बाद आप इसमें जाएंगे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको पहले ओवरकरंट और अर्थफोल्ट को यहाँ पे एनेबल करना होता है। यदि डिसेबल रहता है तो देखिए, इस बटन को तब तक दबाते रहेंगे जब तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है। तो जैसे कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आता है नो ऑपरेशन, उसके बाद सेटिंग ग्रुप, उसका ग्रुप वन, उसके बाद कोई चेंज करना है कॉपी ग्रुप वन, कॉपी टू, सेटिंग ग्रुप वन एनेबल है देखिए। और ऐसे दबाते जाएंगे तो इसमें यहाँ पे ये जोन से भी सेटिंग आपको एनेबल करनी है, उस सेटिंग में आप पहुँच जाएंगे। देखिए ओवर करंट पर पहुँच गए, ओवर करंट यहाँ पे पहले से एनेबल है तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। नेगेटिव सीक्वेंस जरूरत है आपको तो आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ आपको यहाँ पे, ये मेजर अर्थ फॉल्ट है, मेजर अर्थ फॉल्ट की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिसेबल किया हुआ। यदि आपकी रिक्वायरमेंट है एनेबल कर सकते हैं। तो देखिए, मुझे रिक्वायरमेंट थी अर्थ फॉल्ट टू यानी कि ड्राइव अर्थ फॉल्ट की, तो मैंने यहाँ पे ड्राइव अर्थ फॉल्ट को एनेबल किया हुआ है। तो यहाँ से यदि आपकी रिक्वायरमेंट है उसको डिसेबल करने की, डिसेबल कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे दोनों यहाँ पे प्रोटेक्शन एनेबल है। तो हम जाते हैं बैक, उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे और ये वाला बटन बैक बटन दबाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आएगा लास्ट में ड्राइव अर्थ फोल्ड, ये देखिए अर्थ फोल्ड टू। तो उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकता है। देखिए, इसमें जाने के बाद देखिए, इन बटनों से जाने के बाद आप ये डाउन बटन दबाएंगे तो आप इसके अंदर पहुँच जाते हैं, इसके सब मेनू में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा रहा है ड्राइव अर्थ फॉल्ट है, सेटिंग यहाँ से देखिए IN2, यहाँ पे करो आते हैं, आपको कौन से करो की सेटिंग करनी है। पासवर्ड मांगता है चेंज करने से पहले, पासवर्ड कैपिटल A है 4 times। तो यहाँ पे देखिए ये बटन दबाएंगे और ये बटन दबाएंगे तो डायरेक्ट A आ जाता है। देखिए बटन दबाएंगे और दबाएंगे डायरेक्ट A आ जाता है, एंटर करेंगे तो देखिए एक्सेस लेवल 3। और यहाँ पे देखिए करवाता है, DT आया है डिफ़ॉल्ट में फ्रेंड्स। यहाँ पे ये रहता है IEC S-1, उसके बाद यहाँ पे DT कर सकते हैं, कर्व को डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद यूजर डिफाई ऊपर से चलते हैं, देखिए सबसे पहले ये आता है ICS-1, उसके बाद ये IEC V-1, IEC E-1, UK LT-1 और RI, IEEE M-1, IEEE V-1, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे IEEE E-1 और US-1, US ST-1, IDG, डिफाइन यूजर यानी यूजर डिफाइन कर सकता है करो अपने अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4 इसमें होता है, या आप इसको डिसेबल कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो हमने यहाँ पे इसको DT किया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे DT पे मैंने इसको टेस्टिंग की थी तो हमने DT यहाँ पे किया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे कर्व की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शनल, या इसमें डायरेक्शनल सेट कर सकता है, आपको डायरेक्शनल करंट डालना है या नॉन डायरेक्शनल, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए डायरेक्शनल रिवर्स, डायरेक्शनल फॉरवर्ड और नॉन डायरेक्शनल, आपको डायरेक्शनल रिवर्स में देनी है कि फॉरवर्ड में देनी है, नॉन डायरेक्शनल करना है यानी करंट जिधर से है उसमें ट्रिप करना है। तो इसको नॉन डायरेक्शनल यहाँ पे हम रखते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट जो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप करंट की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी इसमें रिक्वायरमेंट 1500 है इसके अंदर जो करंट है, तो इसको 1500 हमने किया था, हमने 300 पे इसको टेस्ट किया था, आप 300 पे हमने टेस्ट किया था, तो हमने ये 300 यहाँ पे इसलिए किया हुआ है। यदि आपकी रिक्वायरमेंट है ज़्यादा करने की, ज़्यादा कर सकते हैं, टेस्टिंग के लिए मैंने 300 किया था, इसलिए यहाँ पे 300 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप इस तरीके से टेस्ट करते हैं, ये बटन दबाएंगे और ये अप डाउन बटन से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये डिले टाइम देते हैं, क्योंकि उन्होंने DT वहाँ पे डिफाइन किया था, इसलिए यहाँ पे डिले आ रहा है। यदि आप दूसरा कर्व लेते हैं तो मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से आप उसमें क्या ऑप्शन आएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे रीसेट टाइम आता है ये, और ये Function 2 है यानी जो उसका एक तो Stage 1 होती है, Stage 2 है, इसी प्रकार इसकी Stage 3 आती है और Stage 4 आती है, और स्टेज में 4 स्टेज टोटल रहती है। ये ब्लॉकिंग के रिगार्डिंग पूछ रहा है आपको, जब ये अर्थ फोल्ट मेजर अर्थ फोल्ट ड्राइव अर्थ फोल्ट होगा तो आपको ब्लॉकिंग करनी है या नहीं करनी है। ये पोल है, उसके बाद एक करेक्टिस्ट एंगल है, और ये पोल 0 सिक्वेंस का है, और ये VN POL सेट है। ये आप इसकी सेटिंग जो भी करने हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
तो इतना इसमें यहाँ पे रहता है। उसके बाद यहाँ पे बैक बटन दबाते हैं और दोबारा से डाउन में जाएंगे और यहाँ पे कर्व चेंज करते हैं। देखिए ICS इनवर्स, तो यहाँ पे देखिए डाउन में जाएंगे, नॉन डायरेक्शनल रहेगा। और ये करंट की सेटिंग देखिए, और TMS इसमें आ जाता है, यानी कि मिनिमम सेटिंग इसमें 1 सेकंड के डिफ़ॉल्ट में आती है। और इसमें देखिए DT एडर आ जाता है सेकंड का, ये यानी कि जैसे ही आपका करंट बढ़ेगा टाइमिंग ऑटोमेटिक कम से कम यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। ये टी रीसेट इसमें 0 ही है। ये देखिए बाकी फंक्शन इसमें डिसेबल है। उसके बाद हम दूसरा कर देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए वी इनवर्स में क्या आता है, नॉन डायरेक्शनल है सेटिंग है। TMS सेम वही चीज़ आती है जो अलग अलग उसमें आती है, इसमें ज़्यादा कुछ फंक्शन आता नहीं रिसेट के सेट का। तो हम यहाँ पे इसको HT DT यहाँ पे कर देते हैं। देखिए तो सेम फंक्शन आपके फिर ये देखिए अर्थ फोल्ट हो गया। उसके बाद जाएंगे यहाँ पे ओवर करंट, तो सेम फंक्शन आपके ओवर करंट में आते हैं। देखिए डाउन बटन दबाएंगे ओवर करंट में आने के बाद, ये ICS इनवर्स, तो इसको DT कर देंगे हम। देखिए DT कर देंगे, S इनवर्स में सेम वही कर्व यहाँ पे रहते। देखिए आपको दिखाते हैं, DT S इनवर्स UOV ELT रेक्टिफायर RI IEEE M इनवर्स V इनवर्स E इनवर्स IEEE इनवर्स और US इनवर्स USSI इनवर्स ST इनवर्स डिफाइन यूजर, ये 4 डिफाइन यूजर रहते हैं। उसके बाद डिसेबल कर सकते हैं, फिर DT पे यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये इसमें टोटल कर्व रहते हैं, मैंने आपको दिखा दिया सबके फंक्शन। इसी तरीके से आप अलग अलग की सेटिंग ICS इनवर्स या ICV इनवर्स या आप ICE इनवर्स, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट आपका स्टैंडर्ड जो भी फॉलो करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बैक बटन दबाते हैं। देखिए हमने DT कर दिया, उसके बाद बैक बटन दबाएंगे। तो ये जैसे बैक आ जाए तो पूछता है आपको अपडेट सेटिंग करनी है, तो एंटर दबाइए। और यदि आपको सेटिंग चेंज नहीं करनी, जो आपने चेंजिंग किया अगर उसे एज अपडेट नहीं करना तो आप सी दबाइए। तो हम यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं, जो हमने सेटिंग किया है यहाँ पे सेटिंग अपडेट हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे, तो उसके बाद ये पूछता है यदि आपको लॉग आउट होना है, एंटर टू लॉग आउट। यदि लॉग आउट एंटर कर देंगे तो बिना आप जो दोबारा लॉग इन करेंगे तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, यदि कैंसिल करेंगे तो आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके कर देते हैं, लॉग आउट इससे हो जाते हैं हम। उसके बाद देखिए इस तरीके से डिफॉल्ट स्क्रीन आ जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसमें आप ओवरकरंट और फॉल्ट की सेटिंग कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पहली बार जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाना, जिस चैनल वाले से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।